नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइनिंग विल्ला में आप सभी का। अगर चैनल में आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, कुछ मिस नहीं करना है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जैसे मैं अपलोड करूँ चला जाए, है ना। तो आज का मेरा जो टॉपिक है WCL के 2022 में जो पूछा था क्वेश्चन, वो सारे रिवाइज करके बताऊँगा किस तरह के क्वेश्चन आए थे, आप देख पाएंगे और सही आंसर क्या था उसका। क्योंकि हर एग्ज़ाम में पिछले सिलेबस से कोई भी सब्सिडी का 4-5 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन लगभग में मिल ही जाते हैं, तो सबको देखते हुए चलना है। तो शुरुआत करते क्वेश्चन का, पहला WCL 2022 में जो पूछा था, पहला पूछा था क्या पूछा था, SCAMP रिलेट्स टू यानी स्कैम्स रिलेटेड किससे है। स्कैम का फुल फॉर्म होता है स्ट्राडा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, मैंने बता दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये जो स्कैम रिलेट करता है रूप सेफ्टी इनंडेशन माइंड फायर की, इनमें से कोई भी नहीं है, तो यही क्वेश्चन था। तो आपका सही आंसर है, बताइए, जानते होंगे आप लोग, बिल्कुल सही है, रूप सेफ्टी से रिलेटेड है, ये रूप सेफ्टी का प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्सप्लोसिव व्हेन कैरिंग एक्सप्लोसिव। तो पूछ रहा है कि जो बारूद वाला एक्सप्लोसिव है जिसको बारूद को ले जाना आना करते हैं, उसका जो वो जो गाड़ी जो व्हीकल है उसका मैक्सिमम स्पीड क्या है। NCL का भी क्वेश्चन ही आया था, मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत सारे। तो ऑप्शन में 20, 25, 30, 40 किलोमीटर पर आवर, तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 25 मैक्सिमम उसका स्पीड रहता है उस व्हीकल का। नेक्स्ट है, गैस रिलेटेड टू वाइट डैम, ये माइन गैसेस से रिलेटेड है क्वेश्चन है, जो आपके सिलेबस में था, सिलेबस में है MCL के, और भी आगे सिलेबस जो देगी जरूर देगी वेंटिलेशन और माइनिंग केसेस से। तो वाइट डैम किसको बोलते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन को या ऑक्सीजन या कार्बन मोनोक्साइड को, तो सही हमारा आंसर है CO को बोलते हैं, कार्बन मोनोक्साइड को ही हम लोग वाइट डैम बोलते हैं। और ब्लैक डैम किसको बोलते हैं, CO2 प्लस एक्सेस नाइट्रोजन, है ना। अब मीथेन, तो मीथेन को CH4 का फॉर्मूला है, इसको और कुछ भी बोलते हैं, गर्म करके कुछ नाम है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, इन सेकेंड डिग्री स्क्रॉल कर लेते हैं, इन सेकेंड डिग्री गैसेस इन अंडरग्राउंड माइन फॉर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग रिटर्न परमिशन ऑफ रिक्वायर्ड, ये बोल रहा सेकेंड डिग्री गैसेस में अंडरग्राउंड के वेल्डिंग करना है तो किनसे परमिशन लेना चाहिए, किससे परमिशन लिया जाएगा, किससे लिया जाता है, माइनिंग सरदार से, कोलवरी मैनेजर से, असिस्टेंट मैनेजर से या मैनेजर से। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका, मैनेजर से ही लिया जाता है, फर्स्ट और सेकेंड में मैनेजर से, थर्ड में रीजनल इंस्पेक्टर से लिया जाता है। नेक्स्ट है, रीजन फॉर ब्लाउन आउट सोर्स, तो ब्लाउन आउट सोर्स होने का रीजन्स क्या होते हैं। अंडरग्राउंड माइंस में बहुत सारे ब्लाउन आउट सोर्स होते हैं, यानी कि बारूद में अगर चार्जिंग किए हैं वो बारूद में ना ब्लास्ट होकर बाहर आके ब्लास्ट कर जाता है, तो उसी को ब्लाउन आउट सोर्स बोलते हैं। तो यही पूछ रहा, रीजन क्या होते हैं उसके, तो कम स्टेमिंग, पहला ऑप्शन है कम स्टेमिंग, दूसरा मोर एक्सप्लोसिव, अपनी ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा एक्सप्लोसिव चार्ज कर दिए उस होल में, हाई बर्डन स्पेसी या सभी। तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा ना, सभी हो जाएगा, ज़्यादा भी चार्ज करेंगे तो बाहर आएगा, कम स्टेमिंग किया तो स्टेमिंग तोड़ते हुए बाहर आएगा, और बर्डन स्पेसिंग ज़्यादा किया उस समय भी खतरा होता है ब्लाउन आउट सोर्स का। तो ऑल ऑफ देम हमारा सही आंसर डी हो जाता है, है ना। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, प्राइमिंग कार्टिज, मैंने बताया था, मेरा अगर वीडियो सारा देख रहे होंगे तो उसमें प्राइमिंग कार्टिज अब किसको बोलते हैं आप जान जाइएगा, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, देखना बहुत ज़रूरी है, वो सब वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है वो सब। तो प्राइमिंग कार्टिज किसको बोलते हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछा है, तो इन विच डिटोनेटर इंगेज, उसको बोलते हैं जिसमें डिटोनेटर डाल देते हैं डिच कार्टिज में, उसको बोलते हैं बेस्ट क्वालिटी एक्सप्लोसिव, अनएक्सप्लोडेड एक्सप्लोसिव, यानी जो नहीं फटा उसको या सभी को। नहीं, बिल्कुल हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, जिसमें डिटोनेटर इंगेज करते हैं उसी को प्राइमिंग बोलते हैं। तो 6 का ए हमारा है, पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला बताइए आप। तो यील्ड ऑफ कोल इन टन पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव कंज्यूम्ड, यील्ड ऑफ कोल पर
कॉल इन मीटर क्यू एक्सप्लोसिव बोथ या नन। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला तो नहीं दिया इसमें, लेकिन आप बताइए कोयला को क्या टन में हम लोग लेते हैं, पर टन केजी ऑफ एक्सप्लोसिव। अच्छा, पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, बस डिवाइडेड नहीं किया हुआ लेकिन दिया हुआ है। तो कोयला को हम लोग किस में लेते हैं, टन में, और जो एक्सप्लोसिव होता है वो केजी में होता है ना। तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही लग रहा है ना, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है मीटर क्यूब में दे दिया कोयला, कभी भी कोयला मीटर क्यूब में नहीं होता है, और एक्सप्लोसिव हमेशा केजी में ही रहता है। तो ए हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, हो गया था 7-8। फॉर्मेशन ऑफ कोल माइंड रेगुलेशन नंबर हैज बीन प्रिंसिपली बेस्ड अपॉन। तो ये किससे रिलेटेड है, माइंस एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, एल एंड आर एक्ट, रेलवे एक्ट, ये चार एक्ट दिया हुआ है। तो पूछ रहा फॉर्मेशन ऑफ कोल माइंड रेगुलेशन हैज बीन प्रिंसिपली बेस्ड ऑन। तो इसका सही आंसर हो जो हमारा माइंड एक्ट से रिलेटेड है, CMR तो दिया नहीं है, तो हमारा माइंड एक्ट है सही आंसर। सरफेस प्लान इज ए प्लान। सरफेस प्लान के बारे में पूछा रहा है, कौन सा प्लान है ये, नॉन स्टेचुरी, स्टेचुरी, वर्किंग, या इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर हमारा स्टेचुरी प्लान होता है, सरफेस प्लान एक, और SMP ऑडिटेबल होता है, ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, सरफेस प्लान स्टेचुरी है और SMP ऑडिटेबल है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज एप्लीकेबल ओनली फॉर। जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनता है वो किसके लिए बनाया जाता है, ये पूछा है, ओपन कास्ट के लिए, अंडरग्राउंड, या दोनों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, दोनों के लिए बनता है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, दोनों जगह का जरूरत पड़ता है, ओपन कास्ट रहे या अंडरग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, दोनों के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। नेक्स्ट है नोटिस टू बी गिवन टू द डैश डैश इन केस ऑफ फेलियर ऑफ डंप स्लॉप इन ओपन कास्ट वर्किंग। ओपन कास्ट वर्किंग के दौरान जहाँ डंप है वहाँ पर डंप के जहाँ पर डंप जो फेल हो जाता है, तो उस समय जो हमें नोटिस करना पड़ता है किसे करना है, तो हमारा सिम रिम बोथ दिया हुआ है और डी दिया हुआ नन। तो हमारा सही आंसर जो हो जाता है बी की ओर, रीजनल इंस्पेक्टर से काम चल जाता है, हमें उन्हीं को देना रहता है, रीजनल इंस्पेक्टर को देना है, तो हमारा सही आंसर जो बी हो जाएगा। ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सप्लायर, मैन्युफैक्चर एंड डिजाइनर हैज बीन इंक्लूडेड इन द। ये पूछ रहा है कि ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है सप्लायर का, डिजाइनर का, वो किससे रिलेटेड है। तो 1957 CMR का, और दूसरा ऑप्शन है CMR का 2017, तीसरा है बोथ। चूँकि 1957 पढ़े नहीं होंगे, अगर पढ़े होंगे तो इसमें देखे होंगे कि ये सब ड्यूटीज नहीं था, बी में नया आया तो उसमें ड्यूटीज डाला गया है। तो सही आंसर हमारा 2017 है। 13 नंबर चलते हैं, इन केस ऑफ डैश डैश वर्किंग द माइनिंग सरदार शैल इंश्योर दैट डस्ट कंट्रोल मेजर आर इम्प्लीमेंटेड। ये पूछ रहा है कि माइनिंग सरदार डस्ट कंट्रोल के लिए कहाँ कहाँ के लिए जिम्मेवार होंगे, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जान रहे होंगे ओपन कास्ट बोथ को जान रहे होंगे, लेकिन अंडरग्राउंड में भी उन्हीं को दिया जाता है। तो हमारा 13 का सी हो जाएगा, बोथ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत कोई होता है कि हम सब जानते हैं यहीं पर गलती कर देते हैं, और गलती हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है स्टेट्यूटरी प्लान टू बी प्रिपेयर्ड ऑन। तो जो प्लान बनती है स्टेट्यूटरी, तो किस पे बनाया जाता है, वाइट पेपर में, बॉन्ड पेपर में, कैनवास पेपर में, या ट्रेसिंग क्लॉथ, या पोलिस्टर फिल्म में। तो वाइट पेपर में तो नहीं बनता है, बॉन्ड पेपर भाई वो तो वकील वकील जाने सब नहीं बनता है उसमें भी, ध्यान रखिएगा, कैनवास पेपर भी नहीं बनता है, वाइट पेपर नॉर्मल पेपर होता है जो हम लोग यूज करते हैं जेरोक्स के लिए। तो हमारा ऑप्शन डी की ओर देखते हैं क्या बोलता है, ट्रेसिंग क्लॉथ और पोलिस्टर फिल्म, बिल्कुल सही है, इसी पे ही बनाया जाता है। एक और पेपर आता है ड्यूरेबल पेपर,
उसमें भी बनाया जाता है, तो हमारा ड्यूरेबल तो है नहीं, तो ट्रेसिंग क्लॉथ और पॉलिस्टर फिल्म की ओर चलते हैं, यही हमारा सही आंसर है। बिल्कुल यही आंसर है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ प्लांट सेल्बी ऑफ, यानी कि जो प्लान बना रहे हैं उसका आरएफ क्या होता है नॉर्मली, क्या 3001 या 1001 पे बनता है, या 2500 और 1000, या 2000 या 1000। बिल्कुल आपका सही आंसर सी होगा, 2000। अब इसमें हम लोग जानते हैं आंसर तो सही हो गया, बहुत लोगों को नहीं पता ये क्या, इसका मतलब क्या है, आरएफ का मतलब क्या होता है, तो जान लेते हैं आज। ये जो 2000 आप देख रहे होंगे ना, 2000 अगर मीटर में लिए तो 2000 मीटर का जो डिस्टेंस है प्लान में आप लोग 1 सेंटीमीटर में दिखाते हैं, हम लोग जो है प्लान में 1 सेंटीमीटर में दिखाते हैं, ठीक ना। बिल्कुल प्लान का ये हो गया 1 और फील्ड के लिए हो गया 2000, है ना। इसी तरह ये भी फील्ड के लिए है 1000 और 1 जो है वो प्लान के लिए है, तो 15 का आंसर हम लोग जान लिए सी होगा, ठीक है। सलो की बढ़ते 100 एवरी स्टोन डस्ट बैरियर वाटर, यानी स्टोन डस्ट बैरियर में क्या क्या शो किया जाता है, वाटर नेचर प्लान, सरफेस प्लान, वेंटिलेशन प्लान, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा सही आंसर हमारा, हमारा वेंटिलेशन प्लान ही दिखाया जाता है, सिर्फ वाटर नेचर प्लान इसमें नहीं दिखाया जाता स्टोन डस्ट बैरियर में, है ना। बिल्कुल सी आंसर हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है वाटर डेंजर प्लान शो, अब वाटर डेंजर प्लान के बारे में बोरा क्या दिखाएंगे, वाटर डेंजर प्लान जो बनता है उसमें क्या क्या, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, रिवर जो नदियां हैं आसपास, पॉन्ड्स आसपास बांध भी हो सकते हैं, या सभी, तो क्या दिखाया जाता है, तो सभी को दिखाया जाता है। वाटर डेंजर सब वाटर से रिलेट है, रिवर में पानी रहता है, बांध में पानी रहता है, और जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है तो वहां से भी पानी निकल सकता है, तो सभी चीज़ को दिखाना अनिवार्य है, तो 17 का डी हो जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। HFL एज पर CMR 2017 स्टैंड्स फॉर, ये पूछ रहा है HFL का फुल फॉर्म है क्या, तो मैंने बताया था पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो खुद बता सकते हैं, बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है ना, सी सही आंसर है। नेक्स्ट है रोप सेल बी यूज इन केस ऑफ डायरेक्ट रोफोलेज, तो बोल रहा है डायरेक्ट रोफोलेज में कौन सा हम लोग रोप यूज कर सकते हैं, कटा हुआ रोप यूज कर सकते हैं, पहला स्प्लाइस जुड़ा हुआ रोप, दो रोप टूटा हुआ जो आपस में जोड़ते हैं उसको स्प्लाइस रोप बोलते हैं, तीसरा बोत, चौथा में नन है, तो 19 का डी हो जाएगा। हम लोग कोई भी जुड़ा हुआ रोप या कटा हुआ रोप यूज नहीं करते, एक नया रोप रहता है उसको हम लोग काटते हैं और केपल के साथ जोड़ देते हैं, है ना, तो हमारा डी सही होगा, 19 का डी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पुल कोड इज ए सेफ्टी डिवाइस रिलेटिंग टू, पुल कोड एक सेफ्टी डिवाइस होता है, किसका है, रूप क्लब्स का है, ऑपरेशन ऑफ बेल्ट कन्वेयर या डंप फेलवर, तो बेल्ट कन्वेयर का सेफ्टी डिवाइस है जिसको कहीं से भी हम लोग बेल्ट कन्वेयर को रोक सकते हैं इमरजेंसी के कंडीशन पे, ठीक ना, बेल्ट कन्वेयर का सेफ्टी डिवाइस है पुल कोड। नेक्स्ट है वाटर गज इन माइंड टू मेजर, वाटर गज से हम लोग माइंड में क्या मेजर करते हैं, वेंटिलेशन एयर टेम्परेचर, वेंटिलेशन एयर प्रेशर, वेंटिलेशन एयर मॉइस्चर, या इनमें से कोई नहीं, तो वेंटिलेशन का एयर प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं अंदर का और बाहर का डिफरेंस का, तो वेंटिलेशन एयर प्रेशर है ना, सही आंसर हमारा किस का जो है बी हो जाएगा, ठीक है, किस का आप बी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। स्प्लिट्स इन CMR 2017 रिलेटेड, यानी स्प्लिट्स जो नाम का चीज़ है वो किससे रिलेटेड है, 2017 में जो दिया गया CMR उसी से बताना है। माइंड वेंटिलेशन में स्प्लिट्स होता है क्या, सब्सिडेंट मैनेजर या बोथ या डी, तो आप लोग पढ़े होंगे स्प्लिट माइंड वेंटिलेशन का टर्म है, स्प्लिट का मतलब होता है हवा को अलग अलग भागों में बांट देना, दो भागों में, तो माइंड वेंटिलेशन में है ये हमारा, तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रिजर्व स्टेशन इन अंडरग्राउंड कोल माइन रिलेटेड टू, तो रिजर्व स्टेशन जो अंडरग्राउंड में है वो किससे रिलेटेड करता है, लकड़ी से, टिम्बर, हाइड्रोलिक ऑयल से, एक्सप्लोसिव से, इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स, बिल्कुल
आपका सी सही आंसर हो जाए एक्सप्लोसिव्स। रिजर्व स्टेशन में हम लोग एक्सप्लोसिव जाके रख देते हैं जिस फेस में ब्लास्ट करना, उसके पास उसके आसपास रिजर्व स्टेशन बनाया जाता है ताकि हम लोग वहाँ पर रख सकते हैं एक्सप्लोसिव्स को और डिटोनेटर्स को। तो हमारा एक्सप्लोसिव सही आंसर हो जाएगा, अंडरग्राउंड से रिलेटेड है, एक्सप्लोसिव्स को रखते हैं रिजर्व स्टेशन में। तो इसका हमारा सी सही हो गया है। 24 की ओर बढ़ते हैं। डेंजर जोन इंडिया ओपन कास्ट माइन फॉर टेकिंग शेल्टर बिफोर फायरिंग टूल्स इज अ रेडियस ऑफ, ओपन कास्ट की बात हो रही है, डेंजर जोन सभी को पता ही होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कितना है भाई, 300 मीटर, 1000 मीटर, 500 मीटर, 2000 मीटर, कितना बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 500 मीटर है। तो हमारा सही 500 मीटर है। अब नेक्स्ट है CMM स्टैंड फॉर, पूछ रहा फुल फॉर्म पूछ रहा CMM का, कोल माइन मिथेन, सॉरी कोल माइन मैनेजर लिखा है, कोल माइन मैनेजमेंट, कोल माइन मिथेन, कोल माइन मिथेन, तो यही है हमारा डी सही है, कोल माइन मिथेन होता है। ईडी नहीं जोड़ना है, ईडी कन्फ्यूजन के लिए देखिए किस तरह से दे दिया गया है क्वेश्चन को, बहुत तेज रहते हैं सेल वाले, आपको भी तेज ही बनना है क्योंकि लोहा है, लोहा कोई काट सकता है। तो कोल माइन मिथेन होगा, ठीक ना। 25 का आपका डी हो गया है। FLP स्टैंड फॉर, अब ये पूछ रहा है FLP का फुल फॉर्म भी पूछ दिया है, तो फायर लेवल पोस्टिंग्स है, फायर लिंक्ड प्लेसेस, फायरलेस प्लेसेस, फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर्स। तो सही हमारा हो जाए डी है, फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर, यही होता है हमारा, तो डी सही हो गया है। ध्यान से देखिएगा कंफ्यूज कैसे करता है, सब लगेगा एक जैसा लेकिन होता नहीं है, एकदम ध्यान से पढ़ के माना, टाइम लगे तो लगे। एक्सीडेंट ड्यू टू ब्लास्टिंग जनरली अकर ड्यूरिंग, ब्लास्टिंग के दौरान जो एक्सीडेंट होती है जनरली किसके कारण होती है, तो पढ़ते हैं ऑप्शन क्या दिया है, ज्वाइंट फेसेस, फ्लाई रॉक ड्यूरिंग ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग विथ मिस फायर, या सभी। तो आप समझ गए होंगे तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि सभी के कारण आपका एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है PDS इन माइनिंग स्टैंड्स फॉर, तो PDS का फुल फॉर्म क्या है, अगर वेंटिलेशन अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका फुल फॉर्म आप इजीली बता देंगे, है ना। सही है सी है, 28 का सी होगा, पर्सनल डस्ट सैम्पलर होता है ना। डॉग कैचेस रिलेटेड टू, डॉग कैचेस कहाँ से रिलेट कर रहा है, रूप सेफ्टी में होता है क्या बताइए, होता है क्या, नहीं होता है, माइन वेंटिलेशन में भी नहीं है, हॉलेज से है, हॉलेज सेफ्टी से रिलेटेड है, हॉलेज में लगाता है डॉग कैचेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर डिपेंड अपॉन, तो वेंटिलेशन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट किस पे डिपेंड करती है, ये बात हमें जाननी है। कोल्ड प्रोडक्शन पे होता है क्या, डिग्री ऑफ गैसिनेस पे, या बोथ, या डी। बिल्कुल कोल्ड प्रोडक्शन के बेसिस पे भी होता है, डिग्री ऑफ गैसिनेस पे भी होता है। CMR में पढ़िएगा, कोल्ड प्रोडक्शन के बेसिस में वेंटिलेशन ऑफिसर के बारे में दिया गया है, कोल्ड प्रोडक्शन के और डिग्री ऑफ गैसिनेस के आधार पे क्या क्वालिफिकेशन होगी वो भी दिया गया है। तो हम लोग उतना भी नहीं बता सकते, उतना हम लोग को नहीं जानना है क्योंकि MCQ है, डिटेल से मैं बता दूंगा, और आप लोग को जानना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी अलग से वीडियो बता दूंगा, प्रोडक्शन के बेसिस पे क्या क्या होता है और डिग्री के बेसिस पे। तो हमारा सही आंसर सी है ना, 30 का सी चलते हैं। हेड गियर रिलेटेड टू, अगला क्वेश्चन है हेड गियर जो हमारा है रिलेटेड है, हेड गियर के बारे में आप लोग जानते हैं क्या, जानते ही होंगे आप लोग, सब तो ओवरमैन बन चुके हैं, बस पोस्टिंग होनी बाकी है ना, हो जाएगी, अच्छे से मेहनत कीजिए। तो हेड गियर रिलेटेड टू HMM, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी या मशीन बोलते हैं, अंडरग्राउंड हॉलेज सिस्टम, वाइंडिंग सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा वाइंडिंग सिस्टम में रहता है, हेड गियर ऊपर में लगा रहता है हेड गियर। FOS स्टैंड्स फॉर, इसका सही आंसर आपका सी है, ठीक ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। फर्स्ट एड स्टेशन आर एस्टेब्लिश्ड इन ओपन कास्ट माइन वेयर एटलीस्ट पर्सन आर एम्प्लॉयड, पूछ रहा कितने पर्सन पे फर्स्ट एड स्टेशन बनाए जाते हैं, 150 या सभी में से, क्या है सही आंसर, 50 व्यक्ति पे हमारा फर्स्ट एड स्टेशन बन जाता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा 50। रेजिन वोल्टिंग बताया था मैंने ना, रेजिन वोल्टिंग होता है, कैप्सूल होता है,
बस वही पूछ दिया, रिलेटेड किससे, माइंड फायर से, माइंड रेस्क्यू से, वाटर डेंजर से, रूप सेफ्टी से। इजी क्वेश्चन है, रूप सेफ्टी सही आंसर है इसका, रूप सेफ्टी। TMT बार इज रिलेटेड टू, अब TMT बार के बारे में भी पूछ दिया, कोई पढ़ा नहीं था उस समय, लेकिन अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, माइंड वेंटिलेशन, रूप होल्टिंग, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रूप होल्टिंग है ना, रूप होल्टिंग में ही ये बार यूज होता है। TNT इज रिलेटेड टू, TNT एक बारूद है, एक्सप्लोसिव्स के बारे में भी वीडियो बनाए, आप उसको देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। माइन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग, तो एक्सप्लोसिव है और ब्लास्टिंग है, तो सही आंसर जो हमारा डी है, 36 का डी हो जाएगा। ठीक है, मेरा वीडियो देखने से बहुत फ़ायदा हो जाएगा, आप कितना क्वेश्चन पूछा गया है उससे, है ना, देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। डैश डेटेस इज आर ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी, तो कौन सा ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी फ्री करता है, कंटिन्यूस माइनस के द्वारा फ्री ब्लास्टिंग हो टेक्नोलॉजी यूज किए बिना कोयला निकाल सकते हैं क्या, LCCM, हाई वॉल माइनिंग, या सभी से, सभी के द्वारा बिना ब्लास्ट किए कोयला निकल जाएगी, सब कटिंग मशीन, कंटिन्यूस माइनिंग से भी काटते हैं, CCM से भी काटते हैं, हाई वॉल माइनिंग में भी मशीन रहता है। डी हमारा सही आंसर, इस समय ब्लास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, 37 का डी है ना। मजा आ रहा है, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा आ रहा है कि नहीं। PSLW रिलेटेड टू ओबी रिमूवल, नुल्ला डाइवर्जन, लॉन्ग वॉल माइनिंग, तो ये जो PSLW जो किससे रिलेटेड रखता है, वो जो आपका रिलेटेड है लॉन्ग वॉल माइनिंग में, तो सही आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, पावर सपोर्ट, पी से पावर, एस से सपोर्ट, पावर सपोर्ट लॉन्ग वॉल, जो लॉन्ग वॉल में यूज होता है। डम्ब स्टेबिलिटी रिलेटेड टू, अब डम्ब स्टेबिलिटी और रिलेटेड से क्वेश्चन बहुत आता है, इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ डंपिंग ग्राउंड, स्ट्रेंथ ऑफ बेस ऑफ डंप, सीक्वेंस ऑफ डंपिंग, या सभी, इसका आंसर सभी हो जाएगा, सभी पर डिपेंड करता है डंप का स्टेबिलिटी, अच्छे से सिलेक्शन करना, कहाँ पर करना, उसका ग्राउंड कैसा है, उसका बेस कैसा है, स्ट्रेंथ कैसा है, सीक्वेंस किस तरह से किए गए हैं, मैक्सिमम 30 मीटर होता है सिंगल स्टेज में, मल्टी में मैक्सिमम हाइट 90 मीटर रख सकते हैं, उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग की ज़रूरत होगी तो बताइएगा, वो अलग से एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक है डोबी डंप के बारे में। LUX इन कोल माइनिंग इज रिलेटेड टू, लक्स, लक्स क्या है, बाथिंग साबुन आता है, बिल्कुल आता है बाथिंग साबुन का, माइंड फायर, माइंड लाइटिंग, लेकिन आपका सी सही हो जाएगा, लाइटिंग का यूनिट होता है ना, लक्स लाइटिंग का यूनिट है। फायर टेंडर इज यूज्ड फॉर, फायर टेंडर के बारे में पूछ रहा कि आग को ले जाने आने में काम आता है, कैरिंग फायर या कुछ बुझाने का काम आता है, क्विंचिंग फायर या कैरिंग एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव्स को ढोते उसमें, फायर टेंडर, बिल्कुल नहीं, आपका सही आंसर जो हो जाएगा सी, बुझाने का काम आता है फायर टेंडर, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं सारे फायर टेंडर कहलाते हैं, तो आग को बुझाने के काम आते हैं। डैश इज ए ओपन कास्ट मशीनरी, कौन सा ओपन कास्ट मशीनरी है, LHD तो अंडरग्राउंड का है, HDL भी तो अंडरग्राउंड का है, ड्रेक लाइन ओपन कास्ट का है ना, सी सही है। रिक असेसमेंट कंजिस्टॉप, ये पूरा पूछ रहा है, रिक असेसमेंट किसको बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिफिकेशन हजार प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्स, रिस्क रेटिंग, या सभी को बोलेंगे, सभी को बोलते हैं, रिस्क के बारे में SMP में बताया है मैंने, है ना, 43 का डी, यानी जो जो बताया, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं उससे, सारे वीडियो देख लेना है, बिल्कुल। नेक्स्ट है डैश डैश इज ए वेंटिलेशन मेजरमेंट इक्वायरमेंट, वेंटिलेशन मेजर रिक्वायरमेंट क्या है, एनेमोमीटर है क्या, बेलोमीटर है क्या, मैनोमीटर है क्या, सभी है क्या, बताइए, सभी है, एनेमोमीटर भी, वेलोमीटर भी और मैनोमीटर भी है, ऑल हो जाएगा हमारा, है ना। और क्या क्या किसका क्या काम है, अलग से वीडियो बता दूंगा अगर आप लोग को जानने की इच्छा है, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, इसलिए शॉर्टकट में मैं CBMC का आंसर ही बता रहा हूँ। अब लिखा है डैश डैश इज ये डस्ट रिलेटेड डिजीज, डस्ट से कौन सी बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती है, एकदम नहीं माना इसको, डायबिटीज, वो सबसे कोई लेना देना नहीं है।
न्यूमिकोसिस बिल्कुल यही होता है। सही आंसर 45 का हमारा सी है ना। कोल इंडिया लिमिटेड इज ए, क्या है कोल इंडिया? लार्जर प्राइवेट कॉरपोरेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर? सी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है ना। गलती बिल्कुल नहीं करना, ना गवर्नमेंट है ना लोकल प्राइवेट है, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है ना जी। बिल्कुल सी ए सही आंसर। रीजन फॉर फ्लाई रॉक इन द ओपन कास्ट माइनिंग इज ए आर, तो ओपन कास्ट माइनिंग में फ्लाई रॉक होती है उसका क्या रीजन्स है? यही पूछा है क्वेश्चन में। इम्प्रॉपर चार्जिंग, इम्प्रॉपर बटन स्पेसिंग, प्रॉपर स्टेमिंग या सभी? तो ब्लास्टिंग आप देखे होंगे तो पता ही होगा, और हमको पता है, सबको पता है, सभी से होता है फ्लाई रॉक। ऑल ऑफ दीज आंसर होगा फॉर्म यू रिलेटेड टू, फॉर्म अगर पढ़े होंगे माइंड एक्ट या रूल में दिया गया है फॉर्म ए बी सी डी करके यू तक है, तो लास्ट वाला पूछा किससे रिलेटेड है, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर कहीं दिया है क्या, उसी से रिलेटेड है। ये सब काटा हुआ है ना, काट देते हैं। रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर, रिपोर्ट लिखता है वर्कमैन इंस्पेक्टर फॉर्म यू में है ना। एस सी एस आर इज ये इक्वायरमेंट, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर, इसका फुल फॉर्म है ग्रुप सेफ्टी वाइंडिंग रेस्क्यू वर्क। बिल्कुल रेस्क्यू वर्क है, ये सब इसका फॉर्म फॉर्म से ही सब समझ जाएंगे। रेस्क्यू वर्क, ब्लास्टिंग गैलरी इज ये माइनिंग। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लास्टिंग गैलरी इज ए माइनिंग। ब्लास्टिंग गैलरी कौन सा माइनिंग होता है? थिन सिम माइनिंग, थिक सिम माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा थिक सिम माइनिंग होता है, ज़्यादा मोटा सिम रहेगा तो उसमें हम लोग ब्लास्टिंग गैलरी यूज़ करते हैं, तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। और भी है, मैंने 100 तक बनाया है, फिलहाल मैं 50 तक ही बताता हूँ। आप लोग को अगर देखेंगे इस वीडियो को लास्ट तक तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा बना वीडियो, और आगे इसका और आगे जानना है क्या क्या आंसर है तो मुझे कमेंट करके बताया, मैं डाल दूंगा। क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, क्योंकि क्यों नहीं करते हैं इसका भी रीज़न, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, मैं देख रहा हूँ वॉच टाइमिंग 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, मेरा वीडियो आधा घंटा 1 घंटा का रहता है, कोई देख नहीं रहा अच्छा से। तो इसके लिए मैं इसको 2 पार्ट में भाग में बांटूंगा। अगर आपकी ज़रूरत होगी तो बताइएगा कॉमेंट करके, अगर नहीं ज़रूरत है तो आगे का मैं नहीं बताऊँगा, ठीक ना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।